हेलो विवान, तो कैसे सभी? गुड इवनिंग सर। आपको मेरी हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक तो थोड़ा रहेगा तो बेसिक ही, क्योंकि सेक्शनिंग रहेगा। ठीक है, सेक्शनिंग आपको कैसे निकालना है वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, और साथ में प्रोफेशनल इमेज आपका कैसे रहेगा, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, वो सारा कुछ आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा सेक्शनिंग, सेकंड हमारा प्रोफेशनल इमेज। तो सेक्शनिंग हमारा हर एक चीज में काम आता है। आप कलरिंग कर रहे हो तब भी आपको एक अच्छा सेक्शन निकालना आना चाहिए, आप कटिंग कर रहे हो उसमें भी आपको सेक्शनिंग करना है, आयरन कर रहे हो उसमें भी आपको सेक्शन निकालनी होती है, तो क्लीन सेक्शन आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप मुझे बता सकते हो किसको सेक्शन निकालने नहीं आता है? ऐसे स्टूडेंट है यहाँ पर जिनको सेक्शन निकालने नहीं आती है? ओके, चलिए। तो सेक्शनिंग के निकालने के लिए, सेक्शन क्या होता है? जब आप कटिंग करते हो आपने देखा होगा छोटे छोटे पार्ट के अंदर आप कटिंग करते हो। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप स्मूथनिंग करते हो तो आप छोटा छोटा पार्ट लेके आप क्या करते हो, एप्लीकेशन करते हो। ठीक है, तो सेक्शनिंग से ही आप पहले, आपको एक बेसिक सेक्शन जो है वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो देखो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल ही फ्रेशर है, जिन्होंने अभी तक कोई काम नहीं करा है, या फिर उनको कुछ महीना ही हुआ अभी उन्होंने एकेडमी ज्वाइन किया हुआ और मेरी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना वैसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ही आप, एक होता है ना कि एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता, वही चीज अगर आप, कोई होता है कि 2 साल में सीखता है वो आप 2 महीने में भी कर सकते हो। ठीक है, 2 साल की चीज आप 2 महीने में कवर कर सकते हो, 5 साल की चीज आप 6 महीने में कवर कर सकते हो, पर आपका वो पागलपन होता है ना पढ़ाई के पीछे, अपना इसके पीछे, तो वो होना चाहिए आपका। तो अगर आप वो कर सकते हो, पूरा दिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप 1 साल वाली चीज आप 1 महीने में कवर कर सकते हो उसको। ठीक है, तो सेक्शनिंग आपका स्पीड आपको इसमें बढ़ानी है, कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे, आपने देखा होगा जब आप बिल्कुल फ्रेशर होते हो आपको 3-4 महीने, आप एकेडमी में जब आप ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपका क्या है, स्पीड नहीं बन पाती। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी ना? बीच में कट हुआ था, अब क्लियर हुआ होगा। तो स्पीड आपको कैसे बढ़ानी है वो मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको स्पीड बढ़ानी है, और उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है डेली का, तो जिससे आपका स्पीड बढ़ेगा। तो सेक्शनिंग के लिए पहले हम प्राइमरी सेक्शन ले लेते हैं। प्राइमरी सेक्शन में आपका फर्स्ट आता है प्रोफाइल। प्रोफाइल जो सेक्शन होता है ये आपका एक बेसिक सा सेक्शन है। जब आप, जैसे आपका हेड है, मैंने पूरा बनाया है, ठीक है, आगे से लेके फ्रंट से लेके बैक तक पूरा हेड को बनाया मैंने, ये आपकी नोज है, ठीक है, या आपकी जैसे आंखें है। तो नोज के सेंटर से बिल्कुल सेंटर आप पार्ट करोगे, पूरा हाफ ऑफ, हो सकता है मेरा ये ज्यादा हो गया, ठीक है, पूरा आपको हाफ ऑफ करना है। तो जब आप नोज के सेंटर से
और जो आपका ये बैक का सेक्शन होता है, बैक का नेप एरिया होता है उसका सेंटर। तो ये जो आप सेक्शन को टू पार्ट में डिवाइड करते हो, वन और टू, तो ये सेक्शन आपका क्या बोलते हैं इसको, प्रोफाइल। ठीक है, तो प्रोफाइल लाइन पे जब आप सेक्शनिंग करते हो तो उसमें आपका जो हेयर होता है वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिलहाल आपको ये चीज देखो, उसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कैसे निकाला जाता है। तो ये सेक्शनिंग आपकी क्या है, प्रोफाइल। जब आपको बोलेंगे कि आप सेक्शन को फोर पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है, फोर सेक्शनिंग जो कहते हैं ना, फोर सेक्शनिंग करो, तो फोर सेक्शनिंग आपका मेन सेक्शनिंग होता है। चाहे आप स्मूथनिंग कर रहे हो, कलरिंग कर रहे हो, आप हेयर कट कर रहे हो, कोई भी बेसिक्स की चीज कर रहे हो ना, तो आपको फोर सेक्शन लेना होता है। तो जो आपका ये प्राइमरी सेक्शन है, ये आपको लेना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रेडियल। तो रेडियल जो सेक्शन होता है, ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर सेक्शन आपका रहता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कोई कोई क्या होता है, सेंटर ईयर का सेंटर ले लेता है, कोई कोई फ्रंट लेता है। ठीक है, तो ये देखो जो मेन होता है ना आपका बैक होता है, ईयर का जो बैक साइड होता है वो आपका होता है रेडियल सेक्शन। लेकिन अगर आप कोई स्टाइलिंग करते हो ना, तो स्टाइलिंग के लिए आपको हो सकता है आपको ये चीज सेंटर से भी लेना पड़ सकता है, हो सकता है आपको ये फ्रंट से भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि किसी किसी का क्लाइंट का ये जो फोरहेड का एरिया होता है, जो टॉप एरिया होता है, वो फ्रंट वाला थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए हम आगे से भी ले सकते हैं। तो गलत नहीं बोलूंगा मैं इसको, आप पीछे से लो आगे से लो, वो आपकी मर्जी है, आपको देखना है, पहले चेक करना है। ठीक है, उसके बाद वैसे जो मेन होता है वो आपका ईयर के पीछे से होता है। तो रेडियल जो सेक्शन है, तो ईयर टू ईयर जब आप सेक्शन को निकालोगे तो वो आपका रेडियल के अंदर जाता है। तो आपका कितने पार्ट में सेक्शन हो गया है, चार। ठीक है, वन टू थ्री फोर, फ्रंट में दो सेक्शन हुआ, बैक भी दो सेक्शन हुआ, तो इसको बोलते हैं हम रेडियल सेक्शन। तो ये आपका मेन सेक्शन रहता है, प्राइमरी सेक्शन रहता है। प्राइमरी सेक्शन को आपको हर एक सर्विस के टाइम पे करना होता है, और बल्कि आप ना कोई सेकेंडरी सेक्शन भी ले रहे हो ना, प्राइमरी सेक्शन पहले आपको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही आप सेकेंडरी सेक्शन बनाते हो। तो प्राइमरी सेक्शन मेन ही आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्शन इसका ना आप साथ के साथ नोटबुक में भी बना लो, ताकि मैं सेक्शनिंग निकालूं तो उसमें आपको दिखता भी रहे। ठीक है, क्योंकि ये फिर डमी आएगा सामने, ये सामने नहीं रहेगा। तो दो सेक्शन हुआ हमारा प्राइमरी सेक्शन, नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी सेक्शन। तो सेकेंडरी सेक्शन के लिए देखो, हमारे में ना जैसे लाइन होती है ना, सिर्फ तीन लाइन होती है, और उसी तीन लाइन से ना आप बहुत सारी सेक्शन निकाल सकते हो। कौन कौन सी लाइन, एक तो स्ट्रेट लाइन, जब आपका इस टाइप का कोई लाइन होगा उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो ये लाइन जो होता है ये हॉरिजेंटल लाइन होता है। तो हॉरिजेंटल लाइन से आप कोई भी सेक्शन निकाल सकते हो, आप बॉक्स सेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, मेन हमारा ये सेक्शनिंग ही आ रही है, मतलब ये लाइन ही आ रही है। तो एक हमारा हो गया लाइन, ठीक है, दूसरा स्ट्रेट लाइन जिसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन, इसको बोलेंगे हम हॉरिजेंटल। इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, तो ये लाइन क्या है आपकी, हॉरिजेंटल। ये लाइन क्या है आपकी, वर्टिकल। अगर मैं डायगनल फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात करूं, तो जैसे आपने एक प्रोफाइल लाइन लिया, उसके बाद ये क्या है हमारा, हॉरिजेंटल लाइन।
ये दिखेगा नहीं, इसको हम ले लेते हैं। ये क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टल। ये क्या था हमारा? वर्टिकल। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा रखूं तो ये क्या होगा हमारा? ना ये हॉरिजॉन्टल है ना ये वर्टिकल है, क्या है ये? डायगोनल है। ठीक है, तो यहां पर आपको जैसे मैं इस सेक्शन को मैंने निकाला, मैंने ये चीज ऐसे रखा, तो अब ये क्या है? डायगोनल सेक्शन है। ठीक है, अगर मैं इसी को ही यहां पर करूंगा तो ये क्या है? डायगोनल सेक्शन है। ठीक है, इस सेक्शन को हम कैसे पहचानेंगे ये फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है? क्योंकि डायगोनल सेक्शन भी ना दो होते हैं, एक तो होते हैं डायगोनल बैक एंड दूसरा होता है डायगोनल फॉरवर्ड। तो ये हमारा कौन सा सेक्शन होगा? बैक सेक्शन होगा। बैक सेक्शन क्यों होगा? अगर मैं यहां पर कुछ भी चीज रखता हूं, जैसे मैंने यहां पर एक छोटी सी टेनिस बॉल रखा, तो टेनिस बॉल मैं रखूंगा तो ये कहां जाएगा आपका? नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, बैक की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर ये मेरा पूरा हेड है, ये समझो ये पूरा हेड है, तो अगर मैंने यहां पर ऐसे एक बॉल को रखा तो कहां कहां जाएगा बॉल? पीछे की तरफ जाएगा, बैक की तरफ जाएगा, बैक की तरफ ही गिरेगा। तो ये मेरा जो सेक्शन होगा वो क्या होगा हमारा? डायगोनल बैक सेक्शन। ठीक है, मैं इसको ना थोड़ा बड़े में आपको समझाता हूं। तो मैंने आपको बोला था कि हम कोई भी सेक्शनिंग करते हैं तो हमारा पहले मेन सेक्शन होता है प्रोफाइल और रेडियल। तो हमने हेयर को फोर पार्ट में डिवाइड किया, उसके बाद ये जो सेक्शनिंग है ना बहुत जगह आपको काम आने वाली है। ठीक है, कटिंग के अंदर कलरिंग के अंदर बहुत जगह आपको काम आएगी, तो इसलिए आप इस सेक्शनिंग को अच्छे से सीखो कौन सी सेक्शनिंग को क्या बोलते हैं और कैसे निकाला जाता है। तो प्रोफाइल हो गया, रेडियल हो गया। ठीक है, हमने क्या किया? ये प्रोफाइल हो गया, ये रेडियल हो गया। फिर हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, पहले हम हॉरिजॉन्टल को समझ लेते हैं। जब आप एक स्ट्रेट लाइन डालोगे, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ठीक है, ये हमारा होगा हॉरिजॉन्टल सेक्शन। फ्रंट में आपका जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होगा, अब आप क्या कर रहे हो, अभी आप बैक से काम कर रहे हो, जब आप फ्रंट में जाओगे तो आप इस साइड खड़े होगे, तो यहां से फ्रंट से होगा हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन ये वाला। ठीक है, उस साइड से होगा हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन ये, तो इस सेक्शनिंग को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन, और इसको हम सब सेक्शन भी बोलेंगे क्योंकि ये हमारा सेक्शन छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रखा है। ठीक है, जब हमारा सेक्शन छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम सब सेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सब सेक्शन है। तो हॉरिजॉन्टल समझ आया? वहीं पर ही अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल की जगह अगर मैं सेक्शन लेता ये वाला, तो अब ये हमारा कौन सा सेक्शन रहेगा? वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वर्टिकल सेक्शन। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा वर्टिकल है, आज की आप पहचान कर लो। कौन सा सेक्शन कब लेना है वो आपको मैं बोलूंगा कि आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे ये काम करना है, तो आप वहां पर हॉरिजॉन्टल सेक्शन के साथ करोगे।
नेक्स्ट आता है हमारा डायगनल बैक सेक्शन। तो डायगनल बैक सेक्शन क्या होगा? डायगनल होगा लेकिन वो थोड़ा इस टाइप से होगा। तो इसको आपको कैसे याद करना है? ये आपका कहां जा रहा है? नीचे की तरफ, बैक की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपका होगा ये डायगनल बैक। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट का डायगनल बैक सेक्शन क्या होगा? ये आपका कहां जा रहा है? अगर आप यहां पर बाउल रखते तो सॉरी बॉल रखते तो आपका कहां जाएगा? ये नीचे की तरफ जाएगा। तो डायगनल बैक सेक्शन फ्रंट से क्या होगा? ये वाला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डायगनल बैक सेक्शन। इसको ना हम और भी डीपली समझेंगे, अभी तो फिलहाल आपको बेसिक आना चाहिए। जब हम कलरिंग करेंगे तो इसका भी हम समझेंगे कि डायगनल बैक से कैसा रिजल्ट आता है, ठीक है, डायगनल फॉरवर्ड से कैसा रिजल्ट आता है, कटिंग के टाइम पे भी हम इसको और भी डीपली समझेंगे। तो डायगनल बैक सेक्शन हम इसको बोलते हैं। डायगनल फॉरवर्ड जो सेक्शन होगा हमारा, ये हमारा है डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन। ठीक है, फ्रंट में ये वाला। तो ये जो सेक्शन है ये हमारा क्या है? डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन एंड बैक सेक्शन। तो ये चारों सेक्शनिंग कंप्लीट हुआ हमारा। सभी को समझ आया चारों सेक्शन? हॉरिजॉन्टल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन, डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन, डायगनल बैकवर्ड सेक्शन। ठीक है, अब इसी को ही हम समझेंगे। ट्रायंगल सेक्शन। तो ट्रायंगल जो होता है वो आपका कैसे होता है? ये होता है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं तो ट्रायंगल सेक्शन देखो आप कहीं भी बना सकते हैं, ऐसा कोई इसका फिक्स नहीं है कि आपको सिर्फ बैंक्स के लिए यहां पर बनाना है। ठीक है, आप ऐसे कहीं भी बना सकते हो। तो मैं सिंपल सा आपको एक बार बता रहा हूं कि आपका ये कैसा रहेगा। जैसे आपने फोर सेक्शन किया, पहले आपको फोर सेक्शन करना है, उसके बाद आपको एक अंदाजा लग जाता है। जैसे आपने मिड आईब्रो लिया, यहां से आपने मिड आईब्रो लिया, उसके बाद आपने इस टाइप से आपने इसको डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन के साथ आपने इसको मर्ज कर दिया। ठीक है तो एक लाइन है बस, थोड़ा टेढ़ा, और आपका डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन है बस, आपस में मिक्स हो गया। तो ये आपका क्या हो गया है? ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल आप कहीं भी बना सकते हो, आप इस ट्रायंगल को आप उल्टा भी बना सकते हो, जैसे ये हो गया सीधा। ठीक है, तो आप इसको उल्टा भी बना सकते हो। तो आपका ये जो ट्रायंगल है आप जैसे मर्जी बनाओ। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। इसको कब करना है, कैसे करना है, कटिंग के टाइम पे कब यूज करें इसको, इससे क्या मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो सारा कुछ अभी फिलहाल आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो ट्रायंगल जो सेक्शन है ये आपका कैसे बनता है उसको पहचान कर लो। ठीक है, और ये आप कहीं भी बना सकते हो, किसी भी पॉइंट पे बना सकते हो। और सी सेक्शन भी होता है हमारा एक। जैसे हमने ट्रायंगल बनाया था ऐसे ही आपका एक इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो ये जो सी सेक्शन है इसको आप बैंक्स वगैरह के लिए भी कर सकते हो।
ठीक है यूज, और जो ट्रायंगल था वो भी आप इसी के लिए भी यूज कर सकते हो। तो सी सेक्शन का भी आपको कोई फिक्स नहीं है कि आपको फ्रंट में बनाना है, या भी आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो आप सेंटर में भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है हमारा बॉक्स सेक्शन। बॉक्स सेक्शन जो होगा वही पहले आपको एक बेसिक सेक्शन करना है। ठीक फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मिड आईब्रो से, जो आपका आईब्रो होता है ना उसका जो मिड होता है, जैसे ये आपका आईब्रो है, यहां से हल्का सा नीचे कर ऐसे जा रहा होता है, तो ये जो आपका है पॉइंट, इस पॉइंट से आपको जो रेडियल सेक्शन था उसके साथ इसको मर्ज कर देना है। ठीक है, तो ये लाइन आपका मिक्स हो जाएगा, ये दोनों सेक्शन आपस में मिक्स हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं आप बॉक्स सेक्शन। ठीक है, तो इस सेक्शन को क्या बोलेंगे, बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा हॉर्सू सेक्शन। तो हॉर्सू सेक्शन जो है ये आपका कैसे बनेगा, जैसे आपने मिड आईब्रो लिया था पहले भी, तो ऐसे ही आपको मिड आईब्रो लेना है। पहले आपने क्या लिया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लिया था, लेकिन आपका ये जो सेक्शन होगा यहां से आपका राउंड, ठीक है, इधर से आपका राउंड, तो इस टाइप से ये सेक्शन बनता है। ठीक है, ये लाइन आपका हट जाएगा, थोड़ा सा ये बैक तक रहता है, जैसे जो रेडियल लाइन है उससे हल्का सा वो बैक तक रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम हॉर्स टू सेक्शन। तो ये भी आपको कलरिंग के अंदर, आपका कटिंग के अंदर यूज किया जाता है ये वाला सेक्शन। तो इतना ही है सेक्शन। ठीक है, बाकी बहुत से सेक्शन होते हैं, तो जैसे जैसे मैं आके आपको बढ़ाऊंगा तो और भी हमारा सिलेबस है जो कवर होता रहेगा। ठीक है, मेन जो हम करेंगे इसको कटिंग के टाइम पे, और भी ज्यादा जो हमारी सेक्शनिंग आने वाली है ना, और भी बहुत सारी आएगी, तो मेन मैं आपको कटिंग को बनाना भी सिखाने वाला हूँ कि अगर आप इस एंगल पे बाल काटोगे तो उसमें कैसा लुक आने वाला है, ये सारा कुछ तो वहां पर हमारा ही कवर होएगा। तो फिलहाल आपको बेसिक ही सेक्शन रखना है, इसकी प्रैक्टिस करो तो धीरे धीरे करके आपको जब भी आपको एडवांस सेक्शनिंग आएगा, तो यहाँ पर मैं आपको यही सेक्शन को मैं तो फर्स्ट आपका रहेगा प्रोफाइल, तो देखो आपको यहां पर पहले आप कह रहे हो ना कि मेरा सेक्शन क्लीन नहीं निकलता है या फिर आपको निकालना नहीं आता है, तो मैं एक छोटी सी टिप्स आपको दे रहा हूं, जहां भी आपको सेक्शन निकालना है ना वहां पर आपको कॉम करना पड़ेगा। आप क्या करते हो, जैसे क्लाइंट का ये पार्टिंग हो रखा है, ठीक है, इस टाइप का साइड में पार्टिंग हो रखा है, तो अब आपको जो पार्टिंग करनी है वो आपको सेंटर में करनी है। अब क्लाइंट का हेयर तो यहां पर गिरा हुआ है, आधा इधर आधा इधर, तो अब यहां पर आप, और गीले वालों पे तो वैसे नहीं निकलता, ठीक है, अगर आप यहां पर इसी को ही सेंटर पार्टिंग करने की कोशिश करोगे तो वो खींचेगी और जो आपका सेक्शन होगा वो भी आपका क्लीन नहीं आएगा। ठीक है, क्लाइंट को पेन हो रहेगा, तो इसलिए आपको जहां भी सेक्शन निकालना है, जिस लाइन पे, जैसे आप यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर रहे हो तो यहीं पर ही आपको कॉम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा,
यहाँ पर लाइन लेना है तो मुझे यहीं पर ही कॉम, पूरा बैक तक कॉम, उसके बाद मैंने जैसे एक पॉइंट देखा, यहाँ पर मेरा सेंटर पॉइंट देखा मैंने, उसके बाद यही चीज मैं पीछे तक लेके आऊंगा और इसको डिवाइड करके अलग कर दूंगा। ठीक है, तो फोकस क्या था मेरा, पहले मैंने कॉम कहां तक किया था, बैक तक। ठीक है, जहां सेक्शन निकाल रहा हूं वहीं पर मैंने कॉम किया। क्या मुझे यहाँ पर जरूरत है कॉम करने की, इधर यहाँ पर कॉम करने की जरूरत है मुझे, क्योंकि मुझे सेक्शन ही यहीं पर लेना है तो मैं यहीं पर ही कॉम करूं ना, तो यहाँ पर कॉम करने का क्या फायदा। ठीक है, तो जहां पर आपको सेक्शन लेना है वहीं पर ही आप कॉम करो। ऐसे ही अगर हम लेते हैं, यहां से हम वर्टिकल सेक्शन लेते, तो वर्टिकल सेक्शन अगर आपने यहां पर कॉम कर दिया, ठीक है, एक तरीके से बाल गीले है यहां पर चिपक गया बाल। ठीक है, अब यहां पर अगर आप सेक्शन निकालोगे तो क्लाइंट को तो पेन होएगी, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, सेक्शन यहां से उधर जाएगा। ठीक है, तो क्लाइंट को तो यहां पर पेन होगा, तो इसलिए आपको जब यहां पर सेक्शन लेना होता है, जब एक ऐसे लाइन क्रिएट करना है, तो आपको यहीं पर ही कॉम करना है। ठीक है, तो पहले आप कॉम करो अच्छे से, बालों को स्ट्रेट करो। स्ट्रेट करने के बाद अब इसको आप यहां से आप आराम से सेक्शन को निकाल सकते हो। ठीक है, निकला सेक्शन, तो यहां भी अगर मैं यहां पर सेक्शन लेना चाहता हूं, इतने एरिया पे सेक्शन लेना चाहता हूं, क्या मुझे यहां पर कॉम करने की जरूरत है, जरूरत ही नहीं है। क्यों, आप क्या करते हो, सारी जगह कॉम करने बैठ जाते हो। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, जब आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आप करते हो, आपको पता चल जाता है कि यहीं पर ही निकालना तो यहीं पर ही करूं ना मैं, तो आप पहले पूरे पे सेक्शनिंग करोगे, उसके बाद आप यहाँ पर एक सेक्शन निकालोगे, उसके बाद सेक्शन क्लिप लगा दोगे, तो क्या फायदा हुआ इसको आपने ये चीज किया। ठीक है, तो इसलिए आपको जहां भी सेक्शन निकालना है वहां पर एक कॉम करना है, उसके बाद सेक्शन निकालना है। तो फर्स्ट जो मेन पॉइंट है यही है कि आपको कॉम वहीं पर ही करना है। अगर मैं यही सेक्शन, मतलब एक बैक की तरफ भी नहीं करता, मतलब प्रोफाइल भी नहीं निकालना मुझे, मुझे एक वर्टिकल भी नहीं निकालना है, मुझे निकालना हल्का राउंड में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जिस सेक्शन, जैसे मुझे सेक्शन निकालना है वैसे ही मैं यहां पर कॉम करूंगा, तो मैं कॉम कर रहा हूं ऐसे ही। ठीक है, यही मैंने कॉम किया, इसी को कॉम करते करते जैसे मुझे राउंड निकालना है तो राउंड ही मैंने कॉम को घुमाया, तो ये क्या हुआ, हमारा राउंड सेक्शन निकला। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कॉम, वैसे जैसे कॉम करोगे वहीं पर ही आपका जो सेक्शन होगा वो आपका बिल्कुल क्लीन निकलेगा। ठीक है, अगर मैं इसी को ही एक तरीके से मैं ये डायगोनल बैक सेक्शन निकाल रहा होता तो वहीं पर ही कॉम करना है, तो मेन है कॉम, जहां कॉम करोगे वहीं सेक्शन निकलेगा, आपका सेक्शन बिल्कुल क्लीन निकलेगा। अब सिर्फ कॉम करने से सेक्शन नहीं सही निकलेगा, ऐसा नहीं कि आपने कॉम किया और सेक्शन सही निकल जाएगा, नहीं, अब आपका जो टच होता है ना, ये जो टच है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये जो टच है ये स्कैल्प पे टच होना चाहिए। अगर ये टच है स्कैल्प पे तो आपका सेक्शन क्लीन निकलेगा, वरना सेक्शन क्लीन नहीं निकलेगा। अगर मैं इस सेक्शन को होल्ड करूं, ठीक है, और मैं ऊपर से यहां से सेक्शन निकाल लूंगा ऐसे करके, मैं यहीं पर ही कर रहा हूं और बिल्कुल क्लीन सेक्शन निकल जाएगा मेरा, नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको भी पता है, तो यहां भी आपको क्या करना है, कॉम करना है। फर्स्ट आपका रहेगा कॉम, तो आपने कॉम किया, उसके बाद आपने होल्ड करना है इसको। ठीक है, होल्ड करने के बाद जैसे मुझे यहां से सेक्शन निकालना है और नीचे तक जाना है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, फिंगर को रखूंगा जहां भी सेक्शन निकालना है। जैसे हम लेते हैं कि आपको ईयर के पीछे से ही सेक्शन निकालना है, तो मैंने ईयर के पीछे से क्या किया, अपना फिंगर को रखा,
जैसे पहले कॉम किया, कॉम करने के बाद अगर आपने इसको ऐसे छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है, लूज नहीं छोड़ना, कॉम किया, होल्ड किया, फिंगर बैक साइड, अब आपको ये जो कॉम है, जो ये आपको टच करना था कॉम का ये एरिया, ये तो इसको आपको टच रखना है, टच रखोगे जब ही सेक्शन क्लीन निकलेगा, टच हटाया सेक्शन भी वहीं से क्लीन नहीं निकलेगा, ठीक है, टच रखना है और फिंगर से जैसे टच हो जाएगा इसको आपको अलग अलग डिवाइड कर देना, ठीक है। तो हेड जो है ना, इसमें आपको नहीं समझ आ रहा होगा, जो हेड है राउंड है, आपको ही पता ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो सेक्शन कैसे जा रहा है आपका, इस टाइप से जा रहा है, तो यहां पर मैं कॉम क्या करूंगा, कॉम को ऐसे नहीं करना आपको, अगर आप ऐसे करोगे सेक्शन निकल जाएगा आपका, कॉम कहां पर टच है, जैसे मैंने यहां पर कॉम कॉम को रखा, ठीक है, तो यहां पर मेरा टच है, अगर मैंने कॉम को नहीं घुमाया तो अब मेरा जो कॉम है वो बाहर निकल गया, और जो मेरी सेक्शन निकलेगी क्लीन कहां से निकलेगा, जहां से मेरा टच था वहीं से क्लीन निकलेगा, उसके बाद क्लीन नहीं है, तो इसलिए आपको कॉम को भी पूरा प्रॉपर, जैसे मैंने यहां रखा, उसके बाद आपको इस तरीके से राउंड, कॉम को भी हेड के शेप के अकॉर्डिंग आपको पूरा राउंड घुमाना है, तो अब मेरा जो सेक्शन है वो क्लीन निकलेगा, ठीक है, तो जैसा आपका राउंड है वैसे ही आपको घुमाना है। अब खुद एक चीज नोट करना, जैसे आपका टच हटा ना, सेक्शन बिल्कुल खराब निकलेगा, तो टच हटाना ही नहीं है, ऐसे सेक्शन ले रहे हो तो राउंड, ठीक है, पूरा कॉम को भी अपने हाथों को भी पूरा इसी टाइप से आपको राउंड घुमाना है, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें ध्यान रखना, बाकी आपका जो सेक्शन है बिल्कुल क्लीन निकलेगा, ठीक है, जहां भी मैं निकालूंगा बिल्कुल क्लीन निकलेगा, बस आपको जो कॉम है उसको पूरा राउंड घुमाना है, ठीक है, राउंड घुमा और पूरा अच्छे से क्लीन निकलेगा। तो अब मैं आपको सेक्शनिंग स्टार्ट करें, अब तो आप स्टार्टिंग में टेल कॉम से भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर कटिंग कॉम यूज कर रहा हूं, तो आप टेल कॉम के साथ सेक्शन निकालो, चलिए। तो फर्स्ट यहां पर हमें लेना था प्रोफाइल, बहुत टफ है, बहुत इजी है, ये वही है ना, प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगेगा, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो तो आपको समझ आ जाएगा। कॉम करना है, ठीक है, उसके बाद जो आपका नोज का सेंटर है यहां से, वे फिलहाल मुझे आगे दिख नहीं रहा, तो यहां से आपको पहले हाफ सेक्शन लेना, अगर आपसे नहीं निकल रहा, पहले आपने हाफ लिया, इसको मैंने फिंगर से टच रखा हुआ ताकि ये इधर ना गिर जाए, ठीक है, और इधर वाला सेक्शन इधर कॉम कर देना है। तो अभी मेरा क्या हुआ, आधा सेक्शन मैंने ले लिया, ठीक है, उसके बाद बैक साइड के लिए आपको यहां पर सेंटर में, ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेंटर में बिल्कुल फिंगर को रखना है और जो आपने लास्ट में छोड़ा था ना उसी से ही सीधा पे कॉम, देखो मेरा कैसे घूम रहा है, ठीक है, कॉम को घुमाते घुमाते अपने फिंगर के साथ टच करना है और आपका जो सेक्शन है बिल्कुल क्लीन निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो सेक्शन है हमारा टू पार्ट में डिवाइड हो चुका है, तो इसको बोलते हैं हम प्रोफाइल सेक्शन। तो जब हम सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको हम प्रोफाइल सेक्शन बोलते हैं। तो ये सेक्शन हुआ हमारा प्रोफाइल। अब आपको रेडियल सेक्शन लेने के लिए इसी को ही आप क्या करोगे,
जो आपका सेंटर है, ठीक है, सेंटर कहाँ रहा, जहां पर आपका टॉप है, टॉप एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया। तो इधर से आपको क्या करना है, ईयर के पास जो लास्ट वाला पॉइंट है यहां से आपको टच करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले कॉम करूंगा, यहां पर होल्ड करूंगा, अगर आपसे इतना सारे बाल होल्ड नहीं होते तो उसको आप हाफ कर लो, ठीक है, इसको छोड़ दो, क्योंकि सेक्शन तो आपको यही लेना है ना, तो इसी को होल्ड करके रखो। होल्ड किया, कानों के पीछे रखा, और यहां से आपको ठीक है इसको कानों के पीछे रखना। अभी थोड़ा सा ज्यादा बैक हो गया है, तो मैं क्या करूंगा, हल्का सा और इसको क्लीन करूंगा। तो ये क्या हुआ, हमारा रेडियल सेक्शन का एक पार्ट हो चुका अभी, ठीक है। तो यहां पर होल्ड करने के लिए आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने सेक्शन क्लिप लिया और आपने ऐसे होल्ड कर दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, तो हल्का सा इसको आप ट्विस्ट करो, ठीक है, एक ही बार बहुत होता है वैसे तो। एक बार ट्विस्ट किया, देखो दोबारा से, यहां से भी होल्ड नहीं करना, आपको पास से होल्ड करना है। होल्ड किया, ट्विस्ट, उसके बाद वर्टिकल सेक्शन क्लिप, वर्टिकल लगाना है, हॉरिजॉन्टल नहीं लगाना, ऐसे नहीं लगाना आपको, ऐसे वाला, ठीक है, आंखों के पास लगता है वरना। ट्विस्ट किया और उसके बाद सेक्शन क्लिप, तो ऐसे ही आपको, आपने क्या किया, सेक्शन को वन एंड बैक साइड आपका टू। आधों को तो ऐसा लग रहा होगा बोरिंग सा कि क्या पढ़ा रहे हैं, पर देखो डिप्लोमा क्लास है तो सारा सिलेबस मिलेगा आपको। तो ये आपको ऐसे ही ट्विस्ट करके होल्ड करना है, इसको भी सेम ईयर टू ईयर। मैंने क्या किया, ईयर के बैक साइड मैंने कॉम को रखा, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो पूरा टच रखना है, ठीक है। जहां पर आपने टच को हटाया वहीं पर ही आपका जो सेक्शन होगा वो खराब निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, फोर सेक्शन। इसको हम फोर सेक्शनिंग कहते हैं। आगे भी हमारा सेक्शन डिवाइड हो रखा है दो पार्ट में, और बैक साइड भी टू पार्ट में डिवाइड हो रखा है। तो फोर सेक्शनिंग क्लियर है, सेक्शन क्लियर है सभी को, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन, बहुत मेन सेक्शनिंग है, क्योंकि आप ना यहाँ पर मोटनिंग करोगे, कलर की एप्लीकेशन करोगे, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पे आप ज्यादातर काम करते हो। तो आपने क्या किया, फोर सेक्शन में हेयर को डिवाइड किया, तो बेसिक सेक्शन है तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने जैसे ज्यादातर आप सेक्शनिंग करते हो ना, उसके बाद टेल कॉम का यूज करते हो। फिलहाल मेरे पास टेल पिन कॉम है, तो इसलिए मैं ज्यादातर यूज नहीं कर रहा था, कहीं आप भी टेल पिन कॉम यूज करो, तो कटिंग कॉम मैं ज्यादा यूज कर रहा था। तो टेल पिन कॉम मत यूज करना, यहाँ पर जो आपका ये प्लास्टिक में आता है ना ब्लैक कलर का, वो वाली यूज करना, ठीक है, ये लग सकता है क्लाइंट को। फिलहाल मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई भी आपको सेक्शनिंग करनी होता है ना, एप्लीकेशन करना होता है,
तो इसकी प्रैक्टिस करना आपको, वरना आप अगर आप एकेडमी में अभी सीख रहे हो या फिर अभी आप बिल्कुल ही मेरे से ही सीख रहे हो, आपकी स्टार्टिंग है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, ठीक है, जो आपको कल ही फॉलो करने हैं। फ्लैट सेक्शन क्लिप का यूज मत करना अभी फिलहाल, आपसे होल्डिंग नहीं होएगा, ठीक है। आपको जो रिटैंग वो क्रोकोडाइल जो सेक्शन क्लिप होते हैं, इसी को आपको यूज करना है। तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने के लिए क्या करना है, पहले आपको कॉम करना है, इसी साइड कॉम करोगे, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन आपने लिया, देख रहे हो मैं कैसे होल्ड कर रहा हूँ, बिल्कुल पास में, ठीक है। पास में होल्ड करने के बाद इसी को ही थोड़ा सा मैं इसी को ऊपर लेके जाऊंगा और इसको यहाँ पर सेक्शन क्लिप लगाऊंगा। इतना फ्लैट हो चुका है यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ऐसे बाल गिर नहीं रहे। आपका स्टार्टिंग में क्या होएगा आपसे, ये आप ऐसे सेक्शन क्लिप लगाओगे, ठीक है, ये लूज नहीं होना चाहिए। तो ये लूज कब होगा आपसे, जब आप इसको पास से होल्ड नहीं करोगे। अगर आपने यहां से होल्ड किया, सेक्शन क्लिप लगाओगे, तो वो लूज हो जाएगा। तो इसलिए आप जितना पास जा सकते हो उतना पास जाओ। इसका रिकॉर्डिंग वीडियो आपको शेयर करूंगा मैं, तो वो आप देखते रहना, ठीक है। तो बिल्कुल पास जाओ, होल्ड करो, मुट्ठी को बंद करो, इसी को ही आपको ऊपर लेके जाना है पहले, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट, ऐसे नहीं कि आप ऊपर लेके गए ऐसे करके, ठीक है, यहीं पर ही आप स्केल से टच करते हो, आप ऊपर लेके गए, और फिर उसके बाद जो आपका ये हेयर है ना, इधर वाला हेयर जो है, ठीक है, इसके साथ इस सेक्शन को भी, जो आपका ये सेक्शन का, इसको आप क्लिप करोगे, ठीक है। और फिर आपको कंडीशनर लेना है या फिर शैम्पू लेना है, ठीक है, शैम्पू या कंडीशनर आप लो बाउल में, ब्रश लगाओ, एप्लीकेशन करो, ठीक है, फास्ट टाइमर जो है उसको आप लगाओ। स्टार्टिंग में आपका टाइमिंग आएगा 40 मिनट, उसके बाद आएगा आपका 30 मिनट, उसके बाद आएगा आपका 25 मिनट, ठीक है। जब तक आपका 15 मिनट नहीं आता ना, तब तक आप प्रैक्टिस करो, 15 के 10 मिनट नहीं आता। जब आपका 10 मिनट आ जाएगा ना, पूरा टाइमिंग, पूरी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, और सेक्शन ऐसे नहीं, बड़े बड़े सेक्शन लो, 1 इंच का सेक्शन लेना आपको, ठीक है, इतना इतना छोटा छोटा सा सेक्शन लेना है, जितना मैंने लिया इससे हल्का सा और छोटा, ठीक है। तो इतने सेक्शन पे आपको काम करना है, सेक्शन लेना है, उसको क्लीन करना है एक बार, ठीक है, कंडीशनर या कुछ लेना है, उसको ब्रश के साथ आपने बालों पे लगाया, नीचे से मल्सिफाई करते करते ऊपर गए, ठीक है। वैसे मैं अभी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन नहीं बता रहा, तो ऐसे ही आपको ये करना है। एक सेक्शन हुआ, उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पर कॉम, मेन है, कॉम किया, सेक्शन लिया, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा साइड रखोगे सेक्शन को, वो अपना आप ही साइड हो जाता है, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये कॉम करना आपको, ब्रश के साथ मल्सिफाई, ठीक है। एक सेक्शन को कैसे करना है, जैसे आपने एक सेक्शन को होल्ड किया, यहाँ पर आपने एप्लीकेशन किया, नीचे से आप ऊपर जाओगे, ऊपर से मल्टीफाई करोगे, ऊपर से आप दोबारा से नीचे आओगे, फिर दोबारा से आप ऊपर जाओगे, कॉम करोगे, एंड लास्ट में जाके आप इसको छोड़ दोगे। कैसे किया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से दोबारा से ऊपर, और उसके बाद आप इसको लास्ट में कॉम करके, उसके बाद हल्का सा मल्सिफाई करके छोड़ना है। कॉम करने के बाद मल्सिफाई जरूर करना है, ठीक है, ध्यान रखना, और कॉम भी जरूर करना है। ऐसे मैं ये आपको एप्लीकेशन के टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको कॉम की इतनी जरूरत न पड़े, आपने सेक्शन ही आपको क्लीन ऐसे ही निकल जाए, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करो उसकी। तो आज सभी को, जिसको नहीं आता है सेक्शन निकालना, तो कल इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका काम जो होगा, वो आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो ज्यादा गिना जाएगा।
तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ऐसे वहां से भी सेम आपको ऐसे ही लेना होता है। फ्रंट से हॉरिजॉन्टल जो सेक्शन होता है ये आपका रहेगा ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ठीक है। फ्रंट से एप्लीकेशन कभी भी करते हो आप ऐसे करते हो। तो फिलहाल हॉरिजॉन्टल सेक्शन हमने कवर किया है और प्रोफाइल और रेडियल सेक्शन को प्रिंट किया है, मतलब समझाया आपको। तो मैं ही बोर हो गया इसको पढ़ाते हुए क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, तो बाकी जो रह गया है वो हम कल कवर करेंगे, ठीक है। तो कल आपका सारा सेक्शनिंग और जो आपका प्रोफेशनल इमेज रहेगा वो आपका कल ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कल आपका डिप्लोमा क्लास का शायद मंडे, ठीक है, चौथा दिन है, ठीक है। कल आपका लास्ट रहेगा और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपको स्मूथनिंग के लिए आपको रेडी करना। स्मूथनिंग के लिए रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आप वहां पर स्मूथनिंग एडवांस चीज कैसे कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर पहले आयरन कैसे करना ये सिखाऊंगा, स्ट्रेट ब्लो ड्रायर कैसे करना है वो मैं सिखाने वाला हूँ, एप्लीकेशन कैसे करनी है वो मैं सिखाने वाला हूँ। जब हमारी स्मूथनिंग की क्लास होगा तो वहां पर मेरे से कोई ये ना पूछे कि एप्लीकेशन कैसे करनी है, ठीक है। वो छोटी छोटी चीजें मैं पहले ही आपको क्लियर करूंगा। वहां पर मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कौन से वालों पे कैसे करना है, और उसके बाद मैं वीडियो को शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। उस वीडियो में मैं कैसे कर रहा हूँ, सेक्शनिंग कौन सी ले रहा हूँ, आयरन कितने टेम्परेचर पे कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक हेयर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर होता है। वो सारी चीजें की तैयारी मैं आपको, जो आने वाला 4 दिन होगा ना, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, तो इसमें मैं आपको आने वाले जो एडवांस चीज है उसकी तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो उसको सभी ज्वाइन जरूर करना है जिनको बेसिक चीजें नहीं आती हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक है। तो किसी को जितना मैंने सेक्शनिंग बताया है फिलहाल इतना ही करो, और जो अभी मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शन बताया ना सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करना, ज्यादातर आपका यही काम आने वाला है। इसकी स्पीड इतनी बढ़ा रहे हो बस आप लगने नहीं चाहिए फ्रेशर हो, ठीक है। तो गुड नाइट सभी को। मुझे नहीं लगता इसमें किसी का कोई डाउट होगा, तो डाउट है क्या किसी का चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ डिग्री आपका ना ये कटिंग के टाइम पे रहेगा, डिग्री हो गया आपका, हेड शेप हो गया, सब कुछ। चलिए क्लास को ओवर करते हैं, गुड नाइट।